सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दबाइए इस रेड सब्सक्राइब के बटन को और साथ ही में इस बेल आइकन को भी, और पाइए मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे चढ़ाई शुरू कर दी है। अब हम सीधा बाणगंगा से अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डंडा भी ले लिया, 20 रुपये का यहाँ पे डंडा मिला और ये भी हमने बांध लिया। अब चढ़ाई कर रहे हैं शुरू, ठीक है। खड़ी चढ़ाई है पहले शुरुआत में थोड़ी सी, फिर आगे जाके थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमको चढ़ाई करते हुए आधा घंटा हो चुका है, सबकी हालत टाइट हो चुकी है। थकान हो रही है वेदांत? हाँ भाई, सबको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और अभी तक हमने कितने किलोमीटर चल लिया होगा? हमने आधा किलोमीटर, अभी तक हमने आधा किलोमीटर चला है और इसी में हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है और खड़ी चढ़ाई है। अब धीरे धीरे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या है। मैं इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ऐसे ढाबे हैं, यहाँ पे खाना मिलता है। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऐसे हॉर्सेज आते रहते हैं। जैशिका, थक गए आप? जॉय, थक गए? नहीं। ये व्लॉगिंग बोल साचे दरबार की जय। ऋषिका मेरे साथ चलो यार, चल चल तू आगे चल, आगे चल यार। सो ये प्लीज मत करिए, मत करें यहाँ पे। गुरु थकान हो रही है? कितनी बार आ रहा तू? दूसरी बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार ये भाई आ चुका है। कितनी बार आया वेदांत? पता नहीं भाई, काउंटिंग नहीं करी। अनगिनत। कितनी बार माता ने बुलाया? ये दोस्तों यहाँ पे गुरुकुल है। यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोग अपनी रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। बाकी ऊपर मोस्टली मैगी अच्छी मिलती है। ये देखिए, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारे ढाबा आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे गन्ने का जूस मिलता हुआ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे पालकी भी मिलती है, इसकी जो कॉस्ट है 4,500 रुपये होती है। बाकी हमारे दो दोस्त आगे चले, उनके पास सारे बोलो। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तो बहुत है पर थक गए अब। इससे पहले हमने यहाँ पे जो खाना खाया था, खाने के बारे में तेरा क्या ख्याल था? पनीर की भुर्जी, पनीर की भुर्जी अच्छी थी भाई, बस पनीर की भुर्जी दोस्तों अच्छी थी। रोटी भी अच्छी सही थी, रोटी भी अच्छी थी, सॉफ्ट थी, पर दाल इतनी मेरे को अच्छी लगी नहीं। पानी पानी था भाई, पानी पानी था और बटर था। देखो मैगी कैसी लगी? घटिया। मैगी भी दोस्तों घटिया थी। यहाँ पे अब ऊपर चलते हैं, वहाँ पे सागर रत्न है, वहाँ से डोसा खाएंगे और मजा आ रहा है। किधर लाया? झूठ बोल रहे, कोई सागर रत्न नहीं है ऊपर। ऊपर सागर रत्न है। अच्छा डोमिनोज नहीं है क्या? डोमिनोज माता रानी ने खोल रखा है ऊपर। थक गए दोस्तों, देखो यहाँ पे हॉर्स भी होते हैं। ओम गुरु, जय माता दी, जय माता दी। हम जब दोस्तों चढ़ाई शुरू कर रहे थे तो हमको किसी ने ये दे दिया था, 10 रुपये का था, पर आपको सजेस्ट करूंगा आप मत लेना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्वेट आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बीच में ढोल वाले मिलते रहेंगे,
इंजॉयमेंट के लिए, और ये पैसे आपसे लेंगे ज़रूर। देखिए मेरे पीछे का सीन देखो, सारा पहाड़ी पहाड़ी है। अभी तो हम चढ़ाई कर रहे हैं, अब इतनी ठंड लग नहीं रही, जब रात होगी जब हम उतराई करेंगे तब ठंड लगेगी। अब तो मैंने हाफ बाजू की पहनी हुई है, मैं फिर मैं फुल बाजू की पहन लूँगा। ये दोस्तों देखो यहाँ पे कैफे कॉफी डे CCTV है, यहाँ पे अंदर से आपको कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, पर जो मज़ा कॉफ़ी और चाय का बाहर से लेने में वो CCTV आपको कभी नहीं दिलवा पाएगा। ये देखिए ये रहा हमारा CCTV। ये दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, पर सीढ़ियों से मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि फिर पैरों में दर्द होती है। अब दोस्तों हमने सीढ़ियों का रास्ता ले लिया है क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा पड़ रहा था, अब एक छोटा सा शॉर्टकट लिया है ऊपर, यहाँ पे सीढ़ियाँ में चल रहे हैं, पर मैं सीढ़ियों से आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा नहीं, उससे पैर में दर्द होता है, आप जितना हो सके पैदल चलो। यहाँ पे दोस्तों हम सीढ़ियों से आ रहे हैं, लगभग 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ चुके होंगे और अब थक गए यार, और थक गए यार। और जो हमारे साथ एक मेरी फ्रेंड थी रिया, वो जल्दी से ऊपर पहुँच चुकी है, अब हम उसके पास ही जा रहे हैं। हम एक्चुअली बीच में रुक गए थे च्युइंगम लेने के लिए, वो तेज़ी से ऊपर निकल गई, अब हम भी ऊपर चल के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। 400-450 हो गई भैया, आप दोस्तों देख ही रहे होगे साथ कितनी फूली पड़ी है यार, थोड़ा रेस्ट करके फिर चढ़ेंगे। जय माता दी। अब हमने दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है, पीछे मेरे सारा व्यू देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है, और ये रिया बहुत जल्दी पहुँच गई थी यहाँ पे। गाइस हेलो रिया, ये लड़की आने से पहले कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी, अब सबसे आगे यही है। ये चिंगम चिंगल्स, यहाँ पे दोस्तों जो 5 की चॉकलेट 15 की मिल रही है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा के, बट क्या कर सकते हैं यार, अब खानी है तो खानी है। सो गाइस हमको चलते चलते लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, अब तक हमारा आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ, बस 10-15 मिनट में हमारा आधा रास्ता कवर हो जाएगा, उसके बाद 3 घंटे और लगेंगे भवन तक पहुंचने के लिए। बाकी पीछे से व्यू देखिए कितना प्यारा है, अब तो दिन ढलता जा रहा है तो ठंड भी है जो बढ़ती जा रही है, अब मैं भी अपनी जैकेट थोड़ी देर में बैठ पहनूंगा। और भाई क्या हो रहा है, ये तो भाई थोड़ा अब्यूजिव हो गया, बीप बीप कर दूंगा मैं बीप। तुम्हें पूरी बनाएगा एक बार। सो गाइस अब हमने यहाँ पे कॉफी ब्रेक लिया है एक नेस्कैफे से, मैंने 20 रुपए की हॉट चॉकलेट मंगवाई है और इसने मोचा मंगवाई है, आपने क्या मंगवाई है भैया? मैंने भी सेम सेम मंगवाई है भैया ने भी, कटिंग भैया आपकी हो रही है ना? बिल्कुल पूरी पूरी मेरा हॉट चॉकलेट, दो हॉट चॉकलेट है भैया। अब हम अपना हॉट चॉकलेट पियेंगे आराम से, फिर मैं अपनी जैकेट पहनूंगा और फिर। जय माता दी, दोस्तों नेस्कैफे जहाँ से अभी हमने कॉफी पी अपनी, बाकी अब दिन यहाँ पे ढलता जा रहा है ठंड बढ़ती जा रही है, थोड़ी देर में हमारी चढ़ाई जो है खत्म हो ही जाएगी 2-3 घंटे में। मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है ना गाइस, देख सकते हैं आप ये दिन यहाँ पे ढल रहे हो नीचे सारा, अबे भाई तीसरी बार ढला दिया तूने, कटरा का गांव है ये सारी, देखिए लाइट्स चल रही हैं पूरे नीचे शहर में। यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये नीचे कटरा,
जाते अभी हम आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक शॉप पे रुके थे, यहाँ से हमने धागा लिया है रेड कलर का, 10-10 रुपए का था ये। अगर आप खिंचाना चाहो तो यहाँ पे अंदर फोटोग्राफ भी क्लिक करवा सकते हैं और सारा सामग्री भी आपको मिलेगी। अब आगे चलते हैं, अभी हमारी आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, अब आधी और बची है, तो चलिए। बाकी पीछे से व्यू देखिए ज़रा आप, कितना अच्छा लग रहा है। बाकी ठंड दोस्तों बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, अब हम भी अपनी जैकेटें शॉल वगैरह ओढ़ना शुरू कर देंगे। बाकी ये देखिए सारा, ये नीचे सारा जम्मू है, कटरा गांव, और अब चल ही रहे हैं बस। अब एक कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, थोड़ी देर कुछ खाते हैं फिर अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे, चलिए। सो दोस्तों अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे मेरे पीछे सागर रत्न है, यहाँ पे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा मिलता है, हम यहाँ पे चलते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा हल्का सा। चलिए दोस्तों आइए। दुख तो सुनाने सारे तोड़ देने ये दोस्तों मेरा स्क्वाड है। अब क्या खाओगे बताओ? अब राजमा चावल की एक प्लेट ऑर्डर करेंगे और एक मसाला डोसा ऑर्डर करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, ये मसाला डोसा ऑर्डर करा है और ये हमने राजमा चावल ऑर्डर करे हैं दोस्तों, ये 69 के है और ये मसाला डोसा 80 के है। अब चलिए सही है ना, सागर रत्न है, पैसा तो नहीं है, पैसा बहुत है क्यों। सो भाई जैसे आपको पता है हमने राजमा चावल और मसाला डोसा ऑर्डर करवाया था, तो भाई कैसा लगा आपको टेस्ट? बिना प्याज का मजा नहीं, बिना प्याज का मजा तो नहीं आ रहा, पर फिर भी ठीक ठाक है, खाने लायक है, खाने लायक है, पेट भर सकते हैं इससे। रिया आपको कैसा लगा? इसको भी, इसको जो खिला रहे इसको ठीक ही लगता है, इसको भी ठीक है। अभी अभी हमने अधगवारी पार कर लिया है। अब अधगवारी से क्या होता है, दो तरह के रास्ते हैं, एक है आसान रास्ता, दूसरा है थोड़ा मुश्किल। आसान रास्ते का नाम हिमकोट है और जो थोड़ा मुश्किल है वो थोड़ा स्टीप है, मतलब थोड़ी खड़ी चढ़ाई है उसकी, उसका नाम सांझी छत है। तो हमने इस बार आसान रास्ता लिया है, हम हिमकोट से जा रहे हैं। सो अब चलते हैं, अभी सागर रत्न से हमने खाना तो खा ही लिया, अब थोड़ा पेट भी भरा हुआ है, अब आराम से चढ़ाई होगी। और हमने अभी भैरव बाबा पे भी जाना है, तो जब हम वापस उतराई करेंगे तो हम सांझी छत से आ जाएंगे, तो ऐसा क्या होगा, हम दोनों रास्तों को एक्सपीरियंस कर लेंगे ना। ये न्यू वे है, ये न्यू वे है शायद। और कैसा लग रहा है? बढ़िया, ये रास्ता सबसे अच्छा है, बेस्ट, ये रास्ता सबसे बेस्ट। कैसे हो रिया? ऑल गुड यार, क्या बेबे। बांदर बांदर रास्ता। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे मॉन्कीज होते हैं, तो अपना फ़ोन बचा के रखना, मैं अभी फ़ोन अपना अंदर ही रख रहा हूँ, वरना ठसे ठसे में फ़ोन ले जाएंगे ये। सो गाइस हमको यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए, एक्चुअली जो हमारे बाकी के दोस्त थे ना, 3-4 दोस्त, तो नीचे ही रह गए हैं, सो उनकी वेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमसे आगे हमसे पीछे, तो हम 5 मिनट अब और बैठेंगे, अगर वो नहीं आए तो हैं। ये अपना भाई सिंगर है, बहुत जल्दी इसकी वीडियो आने वाली है, म्यूजिक बाय देसी ग्रुप, डायरेक्टेड बाय परमीश वर्मा। बात कर यार, मैं कितना मैं क्या सज गई थम। सो दोस्तों फाइनली हमको हमारे बाकी के साथ ही मिल गए थे, हमको लगा कि हमसे आगे है पर एक्चुअली पीछे हम ही रह गए थे। इन्होंने शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट लिया था ना तुम लोगों ने, इन्होंने शॉर्टकट ले लिया था, हम 1.5 किलोमीटर हमको ज़्यादा चलना पड़ा, इसलिए हम लोग पीछे रह गए थे। अब सारे मिल चुके हैं, अब सब इकट्ठे ही जा रहे हैं, सिर्फ 0.5 किलोमीटर बचा और फिर कुछ खाएंगे और दर्शन करेंगे माता के। जय माता दी। सो दोस्तों हमने अभी ये प्रसाद ले लिया, ये 70 रुपये का था यहाँ पे, अब हम इसके बाद सीधा कुछ खाने जाएंगे, खाने के बाद मैं अपना फ़ोन जो है लॉकर में सबमिट करा दूँगा, क्योंकि ऊपर भवन में अलाउड नहीं है। जब हम दर्शन करके आएंगे फिर हम ऊपर भैरव बाबा जाएंगे, फिर आपको मैं वहाँ की जर्नी दिखाऊंगा, अभी तो पहले हम कुछ खाने जा रहे हैं, तो चलिए खाने चलते हैं। सो दोस्तों हमने खाना अब बिल्कुल खा लिया अच्छे से, सागर रत्न से फुल हमने नॉर्थ इंडियन खाना खाया, डोसा था, सारी बहुत अच्छा खाना था, मतलब गार्लिक ऑनियन बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा टेस्टी था, पेट भर चुके हैं। अब हम लग रहे हैं दोस्तों लाइन में, इस वक्त बज रहे हैं 10, हमारी बारी आएगी करीबन 2 बजे तक, 4-5 घंटे लग जाएंगे, मतलब आप मेरे पीछे लाइन देखिए बहुत लंबी लाइन है,
चार से पाँच घंटे आराम से लाइन में लगेंगे तब जाके हमारी बारी आएगी, ठीक है। सो अब फोन मेरा जा रहा है मेरे बैग में, सो दर्शन करने के बाद आके अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस, बाय बाय। सो फाइनली दोस्तों हमारे दर्शन तो हो चुके, जैसे आप देख सकते होगे दर्शन जो है बहुत आसानी से तो मैं नहीं कहूँगा हुए, क्योंकि हमको दो घंटे लाइन में लगना पड़ा, पर हाँ खुले दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन हुए। अब पहले हमने सोचा था कि ऊपर भैरव में भी जाएंगे, पर जो हमारे और थे ग्रुप के बंदे उनके पैरों में, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के कमर में लचक आ गई है, तो अब हम नहीं जा रहे, अब हम सीधा उतराई कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। सो अब देखो वैसे 3-4 घंटे में हमारी उतराई हो तो जानी चाहिए, बाकी नहीं हुई तो देखो ये भाई अपना मुझे, बाकी बहुत मज़ा आता है यार, आप भी एक बार एक साल में ज़रूर विज़िट करा करो, यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है और मज़ा भी बहुत आता है। सो दोस्तों फाइनली हमारी जर्नी जो है कंप्लीट तो हो चुकी है। अगर आपको जर्नी के बारे में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा था, मौसम काफ़ी अच्छा है वैष्णो देवी का, साल में एक बार तो आपको ज़रूर आना ही चाहिए। आपकी जर्नी कैसी रही सर? बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। अब सीधा उतराई करेंगे, 3-4 घंटे हमको उतराई में लगेंगे, फिर सीधा होटल में जाएंगे और आराम से सोएंगे, आराम से, क्योंकि फिर हमारी जो ट्रेन है ना आज शाम की 6:30 बजे की है। हाँ आज शाम की 6:50 की ट्रेन है हमारी, 6:50 की ट्रेन है, फिर आराम से पहले रेस्ट करेंगे, फिर हमको कटरा मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने भी जाना है घर वालों के लिए, आम पापड़ वगैरह लाना है, सो रेस्ट भी थोड़ा ज़रूरी है वरना फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी हमारी। अब जैसे जैसे दोस्तों हम उतराई कर रहे हैं तो एक मेजर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि जब हम चढ़ाई करते हैं ना तो स्टीप होती है, तो बड़ी हमारी खुद की स्टैमिना जाता है, बड़ी ताकत जाती है, हम खुद बहुत जल्दी थक जाते हैं, पर जब हम उतराई करते हैं ना तो बिल्कुल उतराई यूँ है, सो हमारा ऐसा लगता है कि हम खुद ही अपने आप भागते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सो इतना पता नहीं चलता, मतलब बंदा इतनी जल्दी थकता नहीं है उतराई के वक्त, पर एक ध्यान रखना होता है कि जब हम यूँ भागते हैं ना सो हमारा पैर नहीं मुड़ना चाहिए, अगर पैर मुड़ गया फिर दिक्कत हो जाएगी, और रात को यहाँ पे घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं और टैक्सियाँ भी यहाँ पे अवेलेबल है, फैसिलिटीज यहाँ पे दोस्तों सारी अवेलेबल है। सो दोस्तों अब सारे इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि अगर हम ज़रा सा भी कहीं पे बैठते हैं तो हमारी आँख लग जाती है, और पैरों का तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना हमारे पैरों में कि बस, अभी भी 6 किलोमीटर की जर्नी हमारी पड़ी है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द 6 किलोमीटर पूरे करें और होटल पे जाके आराम से सो जाएं, क्योंकि हमारे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं यार। अभी भी हम एक जगह बैठे थे तो आधे घंटे के लिए हमारी आँख लग गई थी, फिर आधे घंटे बाद उठे, सो हम चाहते नहीं कि ज़्यादा डिले हो, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी अपनी उतराई कम्प्लीट करेंगे और सीधा अपने होटल में जाएंगे और आराम से सोएंगे, फिर सोने के बाद ऐसा आपको पता ही है कटरा मार्केट जाना है थोड़ी शॉपिंग करने। सो अब दोस्तों हमने यहाँ पे सीढ़ियों वाला रास्ता पकड़ लिया क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अब सीढ़ियों पे थोड़ी थोड़ी देर बैठ के रेस्ट लेके आराम से अपने होटल जाएंगे, ये देख सकते हैं। बहुत थक गए यार आज, कसम से कह रहे, पर मज़ा बहुत आया, अगली बार बहुत जल्दी आएंगे, बहुत मज़ा आया आज तो। सो फाइनली गए हम अपने होटल में आ चुके हैं, अब सबसे पहले हमने फ्रेश होना है और अपने शूज़ उतार और सीधा सो जाना है क्योंकि बहुत थके हो यार, दिल्ली में जब आए थे तो ट्रेन में सिर्फ 3 घंटे सोए थे, वो यार फिर हम सोए भी नहीं, और अब हम आराम से सोएंगे, कल सुबह आराम से उठेंगे।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, और रात को मैं सो गया था लगभग आई थिंक 5:30 बजे, और जैसे मैं बेड पे पड़ा था ना मेरी आंखें बंद हो गई थी और बहुत अच्छी नींद आई थी। और अब बज रही है 12:30, मेरे और बाकी के दोस्त तो सारे सो रहे हैं, मैं मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई, अब मैं उनको डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा। बाकी अभी नहा धो के खाना पीना खा के कटरा मार्केट चले जाएंगे कुछ शॉपिंग वगैरह करने, बाकी वो देख सकते हैं पीछे, वहीं से हम आए थे माता वैष्णो देवी से। पैरों की मतलब इतनी गंदी लग चुकी थी ना, इतना दर्द हो रहा था पैरों में, अब भी मैं चल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, बट हाँ ठीक है, रेस्ट मिल चुका है, 6-7 घंटे की नींद भी ले ली है, हमारी शाम की ट्रेन भी है 7 बजे की, सो लेट्स सी, बाय। सो एट लास्ट दोस्तों, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।